सुबह से वेट कर रहे हो ना? बिल्कुल। हाँ, लिपस्टिक किसने लगाई? लिपस्टिक हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं भाई एक लॉन्ग ट्रिप पे। तो कहाँ जा रहे हैं ये तो सरप्राइज है। सब लोग निकल चुके हैं घर से, साथ में सोमन, मामा का लड़का, मामा की लड़की, छोटी बहन और साथ में सरगुन, भाभी और रमन, सब निकल चुके हैं हम लोग घर पे। अब बस थोड़ा लंबा रूट है हमारा, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव है हमारी, मज़े से जाएंगे, फ़न करते हुए जा रहे हैं और साथ में दिखाते हैं आपको यहाँ के कैसे कैसे फ़न कर रहे हैं हम लोग, साथ ही में कहाँ जा रहे हैं ये आपको वीडियो में ही पता चलेगा। और भी इसके बाद कई अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, घूमने जा रहे हैं कहीं तो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए इसी के साथ करते हैं ट्रिप को चालू। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी इंसान रोता है, भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी इंसान रोता है, मुझको देख के जल मत, मेहनत कर क्योंकि जलने से कुछ नहीं होता है। कैसी लगी बताना भाई कमेंट करके। तो कई इंसान जलते हैं भाई, हमारी वीडियो देख के कोई इशू नहीं है भाई, जलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेहनत आप भी करो। मैं तो कहता हूँ तरक्की करो, भगवान आपको तरक्की दे। तो ये पहुँच गए हैं हम पीलीभीत के मशहूर जंगल टाइगर रिजर्व में पहुँच गए हैं। तो देख सकते हो आप भाई खूबसूरती नज़ारा, परिवर्तन क्या कहते हैं, परिवर्तन ना, पर्यावरण। हाँ पर्यावरण भैया, देखो मिस्टेक हो जाती है, पर्यावरण है ये हमारा, पर्यावरण। तो भैया जो पेड़ों से हमें सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और कब तक एसी में सोओगे आप बताओ? पेड़ लगाने चाहिए सबको। देखा हमने पूरा जंगल लगा दिया, बस आप दो पेड़ लगाओ। भाई अभी पहुंच चुके हैं हम लोग किच्छा, जो कि सरगुन के मामा के घर के पास, मतलब सरगुन के मामा यहीं पे है किच्छा में। फिलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं पर वहाँ नहीं जा रहे हैं हम लोग, कहीं और जा रहे हैं। तो वीडियो देखते रहो, पता तो चल ही जाएगा। देख रहे हो भाई साहब, इन्हें देख रहे हो, भैया ने हमारे 10th पास कर ली भैया। कितने नंबर आए? अभी रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना है, देखो रिजल्ट से पहले जा रहे हैं घूमने। भाई साहब कह रहे हैं पास है भैया, पार्टी देंगे तुम्हें 10,000 रुपये की पार्टी भाई, भाई की तरफ से है। तो ऐसे ही आप सब लोग मुझे पैसे देते रहे, मैं घूमता रहूँगा। जैसे 10,000 रुपये भाई देगा आप हमें, तो देगा ना भाई? पक्का? प्रूफ है ये, वीडियो प्रूफ है। 10,000 रुपए देगा, 5,000 रास्ते में। वहाँ जो सब्सक्राइबर लास्ट जो मिला था बिलासपुर का था, तो उससे ले लेता हूँ, रास्ते में मिलेगा मुझे फिर से, तो 5,000 उससे ले ले रहा हूँ। तो भाई जल्दी से पहुँचते हैं जहाँ जा रहा अपनी डेस्टिनेशन पे। तो भाई मजे करते हैं, फन करते हैं, और साथ में आज तो ट्रैवल ब्लॉग है, उसके बाद आपको दिखाएंगे अच्छी अच्छी प्लेसेस जहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया प्लेसेस हैं, तो घूमेंगे फिरेंगे और साथ ही शेयर करेंगे आपको, आपके साथ सारे हमारे जो हसीन पल होंगे वो सब आपके साथ होंगे शेयर। तो भैया जी हम आ गए थे काशीपुर, पहुंच चुके हैं। सीएनजी डलवानी थी तो डलवा ली है भाई, सीएनजी भी डलानी ज़रूरी है। और साथ में जो बंदा कह रहा था कि वो पैसे यहीं दूंगा कैश 10,000 रुपये तो देते भाई। सरगुन देखो, अरे सरगुन बेटा हमारा सो रहा था, अभी सो के उठा है। सरगुन हेलो कर दो, हेलो। अरे कितना कत्ता जाओ बेटा, सो के उठा है। तो भाई फिर सीएनजी डलवा चुके हैं, निकलते हैं आगे को और सफ़र करते हैं जारी आगे का। तो भाई ड्राइवर हो चुका है चेंज, अब मैं चलाऊंगा यहाँ से गाड़ी। तो अब चलते हैं भाई आगे को। तो अभी करता हूँ मैं ड्राइव, अब ड्राइव करूँगा तो थोड़ा थोड़ा सा दिखा पाऊँगा जहाँ तहाँ रहूँगी, वहाँ दिखाएँगे हम आपको। अब खींचते हैं गाड़ी को, जल्दी जल्दी अपने पहुँचते हैं जहाँ हमें जाना है। भाई काफ़ी दूर आ चुके हैं, धामपुर तो सुना है, धामपुर धामपुर रह गया अभी, तो ऐसे 30 किलोमीटर लगभग। तो काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो अभी सब लोग कह रहे हैं हमें भूख लग गई, तो भाई सब लोग देखते हैं कोई बढ़िया सा ढाबा, तो फिर देखते हैं कुछ करते हैं पेट पूजा, फिर ही तो होगा काम पूजा, तभी चल पाएंगे आगे भाई। जब हमारे एनर्जी होगी हमारे शरीर में तभी चल पाएंगे। तो अभी ये देखो मामा का लड़का बेचारा भूखा, 10,000 रुपये वहीं देगा कह रहे ढाबे में ही। अभी अब 10,000 रुपये सुबह से नहीं दे रहा, कभी वहाँ कभी वहाँ। भाई मेरे साथ धोखा हो रहा है। तुमने सर बैंक खोलना लेके आया हो? बैंक अकाउंट तो लाए हो? कह रहा बैंक खोलना लेके आया हो? मैंने बैंक अकाउंट तो लाया भाई, दे दे यार। तो भैया रुके थे अभी एक रेस्टोरेंट पे, तो भाई हमने तो स्टिंग पी ली, तो इन लोगों ने पीछे बोला कि ये माजा पियेंगे। माजा तो था नहीं, पता नहीं कौन सा मैंगो वाला वो मिल गया, कोई थी माजा टाइप, तो वो ली। तो भाई साहब उसका क्या ही टेस्ट बता रहे हैं, मेरा पानी बहुत बुरा टेस्ट था। तो अभी चल रहा है इस रूट पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, तो कोई ढंग का मतलब ढाबा भी नहीं मिला, रेस्टोरेंट भी नहीं मिला जो मतलब हाईवे के ऊपर हो, तो ऐसा कुछ था नहीं, बढ़िया मिला नहीं। तो एक छोटा सा मिला, रुके भी, हमने सोचा पहले चाय पीते, फिर मैंने तो चाय पीनी नहीं, मैंने कहा मैं स्टिंग पीऊँगा, बाकी लोग भी फिर स्टिंग पीने लग गए। दो जनों ने ली माजा और माजा निकली बेकार, निरा पानी। तो भैया कैसा टेस्ट था? ऐसा जैसे गर्म पानी में कुछ ऐड किया हो। बच्चे देखो स्ट्रिंग पी के हो गया तगड़ा। अगर तई लोंडा बीच वाला जो 10,000 रुपये अब गिन रहे यार, देगा अब थोड़ी देर में 10,000 रुपये मिलेंगे आज। तो भाई सामने देख सकते हो थोड़े थोड़े पहाड़ नजर आने लग गए हैं। तो भाई समझ सकते हो कहाँ आया हूँगा मैं, समझो बताओ कमेंट करके भाई। कमेंट में क्या बताओगे पता तो चली जाएगा आखिर में फिलहाल मैं कहाँ आया हूँ। तो ऐसे ही है भैया, इंजॉय कर रहे हैं ट्रिप को, चलते हैं। ज़्यादा रुके नहीं हम लोग कहीं, बस एक दो जगह रुके और वो जो हमने स्टिंग पी थी बस, उसके बाद खाना तो खा ही लिया था भाई, और ज़्यादा रुके नहीं कहीं। देखिए थोड़े थोड़े पहाड़ हैं हल्के हल्के, और आगे हैं थोड़े बड़े बड़े, तो दिखाएंगे नज़ारा भाई आप लोगों को। बने रहें ब्लॉग्स में, और भी ब्लॉग्स अच्छे अच्छे आएंगे, देखते रहना। तो सरगुन देखो भाई आ चुकी है आगे, फुल एंजॉय कर रही ट्रिप का, तो यही मजे ले रहे हैं। सरगुन क्या होगा बेटे? ट्रिप के मजे पूरे यही ले रही है, पूरी खुश है, खुश, पूरी हंसती हुई खेलती हुई जा रही है, इसे कोई परवाह नहीं कहीं बाहर हूँ मैं, है ना। मजे आ रहे हैं इसे। तो देखिए भाई नज़ारे इधर के, खूब बढ़िया है भाई, बढ़िया। पहाड़ चालू हो गए हैं थोड़े थोड़े। सरगुन सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है साथ में, और सब लोग। ये देखिए मंदिर माँ का बहुत अच्छा, जय माता दी। वो बढ़िया है भाई, मंदिर है यहाँ पर। ये माँ चंडी देवी, माँ चंडी देवी का यहाँ पर मंदिर। तो देखिए भीड़ है मंदिर में भी, मत्था टेकने आए लोग। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इधर हरिद्वार भी अब पहुँचने वाले हैं हम लोग, हरिद्वार। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हम किधर जा रहे हैं, हरिद्वार से आगे। तो बाकी तो कुछ रह नहीं गया फिलहाल बताने को, आप लोग समझ ही गए होंगे कि कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से आगे की जर्नी सारी, जो कि 4-5 ट्रिप आसपास की सारी, मतलब वहाँ पर कवर करेंगे, तो फिर दिखाएँगे आप लोगों को, एंजॉय करेंगे फुल आप लोगों के साथ मिलकर। भाई ये देखिए यहाँ है नीचे गंगा जी, तो लोग आते हैं इधर स्नान करने भाई, यहाँ पर करते हैं स्नान, अपने पाप धोते हैं, मतलब हम भी धोएंगे। फिर माना जाता है कि गंगा जी में स्नान करो तो सारे पाप धुल जाते हैं। भाई देखते हैं हमारे भी पाप जो है धुल जाए, जो भी हमसे गलतियाँ उलतियाँ हुई हैं माफ़ हो जाए हमारे। 500 मीटर्स टर्न लेफ्ट। देखें आगे पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो अभी क्या है, अभी सीएनजी डलानी है, सीएनजी हो गई है खत्म, तो लाइन में लगे हुए हैं, तो सीएनजी फुल करवा लें पहले। अब एक यही पंप है हमें मिला जो हरिद्वार में, इसमें भी काफ़ी लंबी लाइन लगी है, तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो बस ये आ गया मेरे लिए कुछ खाने को, देखते हैं क्या लाए भाई। लाइन जल्दी, कोई गाड़ी ना लगा दे, इसलिए मैं तो भैया आगे आ गया हूँ। बस सीएनजी डलाऊं पहले, फिर कुछ वो आए हैं, देखते हैं क्या लाए हैं मेरे लिए। तो भाई ये मैंने मिल्क मंगाया था, आनंदा का मिला है। मैं दूसरा जो भी पीता था इलायची वाला, चलो इसे भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो मैं तो ये मंगाया था, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ खाता पीता नहीं हूँ, तो यही मंगा रखा है। तो अब ये पीता हूँ, कुछ खाने को मंगाया है, अब देखो क्या लेके आते हैं, तो पीते हैं फिर। भाई ये तो काफ़ी टेस्टी है यार, पिया है, अच्छा लग रहा है, पीने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। अब मैंने चिप्स या पीनट मंगवाए, देखते हैं वो उन दोनों में से क्या आता है। तो साथ ही में आ गए भाई मेरे पीनट मंगाए थे मैंने, पीनट आ गए, बढ़िया है ना। इसमें फैट ऐड नहीं होता जाए तो इस चक्कर में, अरे फैट तो है तो बढ़िया है, कोई नहीं, फैट है कोई दिक्कत नहीं। 2-4 दिन फैट वाली चीज़ें खा लूँ, फिर तो नहीं खानी है। तो भैया हरिद्वार पहुंच गए। यहाँ देखिए इधर शिव जी भगवान की मूर्ति काफ़ी तगड़ी बनी हुई है यहाँ पर, और नीचे ही थी पीछे हर की पौड़ी, तो वो भी दर्शन आपको कराएंगे जल्दी, मतलब अगले एक या दूसरे ब्लॉग में किसी में भी, अब जल्दी मतलब कराएंगे आपको दर्शन। आएंगे हम लोग यहाँ पर, थोड़ा स्नान करेंगे गंगा जी में। और यहाँ पर थोड़ा सा जाम इसी वजह से है कि यार यहाँ पर नीचे थी हर की पौड़ी, अभी पीछे जस्ट निकली है, थोड़ा ही सही मैं दिखा नहीं पाया, ड्राइव कर रहा हूँ कार, इस वजह से। तो कोई नहीं, पूरा ब्लॉग अच्छे से आएगा उस चीज़ का भी आपको बने रहना भाई। चैनल पे नया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो भाई सरप्राइज कर देता हूँ रिवील कि हम लोग आए थे देहरादून, तो मतलब ये साथ में इनके मामा, मतलब मेरे भी मामा उनके यहाँ जा रहे हैं। अब बस पहुँच चुके हैं देहरादून में हम लोग, तो अभी लेते हैं कुछ फल फ्रूट्स ले लें जरा बच्चों के लिए। फ्रूट्स लेने गया हुआ है अमन, तो लेके आता है फिर बच्चों के लिए। फिर पहुंचते हैं मामा जी के घर पर। और देहरादून में अभी हमारे 3-4 दिन 4 या 5 दिन देखो कितने दिन रुकते हैं। सब मतलब सब आपको दिखाऊंगा जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, सारा आसपास के जो भी फेमस चीज़ें होंगी वो मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। तो सारे ब्लॉग्स देखने हैं आपने, बने रहना है आपने हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, तो कर लो। तो भाई ये है देहरादून में डीकैथलन का शोरूम, तो इसका भी हम लोग दिखाएंगे, जाएंगे इसमें। और सबसे बढ़िया जो ट्रैवलर होते हैं ना, ट्रैवलर, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर है कि सबसे सस्ता सामान और सबसे बढ़िया जो है स्पोर्ट्स का यहाँ मिलता है डीकैथलन में। अभी देखिए, अभी जो कैंपिंग टेंट है इसका 2499 से स्टार्टिंग है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो है कम से कम 5000-7000 ऐसे हैं, तो वाइल्ड क्राफ्ट वगैरह के तो बहुत ही महंगे हैं। पर ये डीकैथलन के बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैंने यूज़ करे हैं प्रोडक्ट्स, तो इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी इसका भी दिखाएंगे जब पहुँचेंगे, हम यहाँ पर भी लेना है कुछ, हमने थोड़ा बहुत सामान हम भी लेंगे, तो मैं दिखाऊँगा आप लोगों को कि बड़ा चीपेस्ट है यहाँ पर। तो बाकी पहुँच चुके हैं, अब बस मामा जी का वेट कर रहे हैं, तो आ जाए हमें, फिर वो यहाँ से पिकअप करेंगे। तो भाई बताएंगे कहाँ जाना है हमें तो उनका नया घर भी नहीं पता है, तो बस पहुँचे जल्दी से उनके घर पर और चेंज करते हैं भाई। वैसे तो लोअर ही पहन रखे सबने, तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और फ्रेश होके कुछ खाते पीते हैं। लो जी पहुँच चुके हैं मामा जी के यहाँ। ये है हमारे मामा, और ये जो मामा की लड़की, ये दूसरे मामा की लड़की है, ये हमारे साथ आई है, ये मामा के बच्चे हैं। देखो जो सुबह से तैयार होकर बैठा है पर हमारे आज समझ लो, आई एम अ फेमस गाय। लड़का वो सुबह से वेट कर रहे हैं भाई। बेटा सुबह से वेट कर रहे हो ना? बिल्कुल। हाँ, लिपस्टिक किसने लगाई? लिपस्टिक हम जे इसके इसके किसने लगाई है? अपने आप। और तेरी पग किसने बांध के थी? ये पापा ने बांध की थी। पापा ने? क्यों रिश्ते वाले होंगे तेरे? नहीं, अभी शादी होने वाली है। और ये देखो हमारा सरगुन आते ही लेट गया जी, आते ही। हाँ बेटे तेरे बाल तो सारे होते गए हैं। तो भैया टाइम कितना बज गया? 00 हो गया भैया, देखो 00 हो चुका है, तो मतलब पता नहीं कितना बज गया है। तो अभी फिलहाल आ चुके मामा क्या, मामा ने एंजॉय करवाया। अभी भैया ये बताओ मामा जी, तो नशे में तू नशे में है क्या? आपने मामा क्या आ चुके हैं देहरादून, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। बाकी का व्लॉग भैया लंगर बना हुआ का, वो खिलाएंगे इनको। पर ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नहीं, हम गलत लैंग्वेज नहीं करते, मामा हमारे नहीं करते। तो भाई ऐसा है, तो अभी का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।